श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारीदास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो बांके बिहारी जी के आज इतना सुंदर दरबार, क्योंकि ये रंगा है तिरंगे के रंग में और बिहारी जी ने अपने दरबार पर भी तिरंगे का रंग छा गया है। और यहाँ बांके बिहारी जी के बाहर देख सकते हैं दरबार पे जो लाइटिंग्स है वो भी तिरंगे के रंग में है। प्लस इसके साथ साथ जो बांके बिहारी जी के मंदिर में अंदर डेकोरेशन है जो कि लाइटिंग्स की है सिर्फ, वो भी तिरंगे के रंग में रंग चुकी है। तो इसको शेयर करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग इस तिरंगे के रंग में बिहारी जी के इस दरबार में शामिल हो सके। और हम लोग चलते हैं अंदर ताकि बिहारी जी की आरती का आनंद ले सके। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो मेरे बांके बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बुलारी। श्यामा जय जय श्री हरिदास बुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास बुलारी। श्री हरिदास तेरी सदा ही जय हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दरबार है हमारे बांके का, सबसे पहले बिहारी जी के समक्ष यहाँ देखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। जय हो। तो ये लाइटिंग्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन है और तिरंगे के रंग में ऐसे ही भक्तों पर बनी रहे, ऐसे ही आनंद लेते रहे। यहाँ ऑरेंज है, यहाँ व्हाइट है और यहाँ ग्रीन लाइटिंग्स है पूरी। आनंद ले रहे हैं सभी भक्त और बिहारी जी का दरबार तिरंगे के रंग में रंगा है। और हमने भी भक्तों में कल तिरंगे वितरण किए थे, उसकी पोस्ट भी हमने इन फोटोज डाली हुई है। और इसके साथ साथ हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिहारी जी की पोशाक भी तिरंगे में आई है, यानी जो हमारा तिरंगा है, हमारा फ्लैग है, हमारे नेशन का, हमारे इंडिया का, हमारे जय अनाउंसमेंट करो, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का, उसी रंग में बिहारी जी के लिए पोशाक भी बड़ी सुंदर बनकर आई है। जा रहे हो आरती करेंगे ना, आरती कर लो। देख लो आप, कोई बात नहीं, आरती कर देगा। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। तो इसको शेयर करते रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आप लोगों के साथ ऐसा आनंद ले सके, ताकि बांके बिहारी का जो दरबार है वो भी तिरंगे के रंग में रंग गया है और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और बिहारी जी की तरफ से अपार प्रेम, बिहारी जी की तरफ से अपार आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद। और आप लोग भी बहुत अच्छे से धूमधाम से 15 अगस्त मनाइए। और जैसा कि होगा कि बहुत ज्यादा रश होने वाला है, कल पहल का रश होगा, बहुत सारे भक्त लोग दर्शन करने वाले हैं। और आज भी दिन में बहुत रश था, काफी रश था, तो बिहारी जी की कृपा ऐसी बनी रहे। लेकिन पूरा ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मंदिर ही, बल्कि आज पूरा वृंदावन में इतना रश था कि कहीं भी चले जाओ वहां पर भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक सैलाब सा टूटा है, यानी बांके बिहारी के दरबार में, बिहारी जी के दरबार में। और ऐसा लग रहा था कि आज पूरे श्री वृंदावन धाम, या फिर मैं ये कहूंगा कि पूरे ब्रिज में, क्योंकि बरसाने में, गोवर्धन जी में, हर जगह रश था, बहुत सारे लोग थे, आज बहुत ज्यादा रश था, बहुत भीड़ थी। यहाँ पर इस वक्त बड़े शांतिपूर्वक भक्त लोग यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं और बिहारी जी की आरती के लिए अभी से तैयार है, तत्पर तैयार है, यहाँ खड़े हैं कि बस बिहारी जी की आरती आए और कब वो उसका आनंद मिले और उसके साथ साथ विनय पचासा का आनंद मिले।
और आप लोगों के लिए एक चीज और बताना चाहता हूँ कि काफी कंफ्यूजन था लोगों को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जन्माष्टमी पर हमने कोशिश करी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी के पास हम प्रसाद भिजवा पाए। तो जो हमारे साथ सेवा में शामिल हो रहे हैं उनके पास हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी के पास प्रसाद पहुंच सके बिहारी जी का, यानी कि जो जन्माष्टमी का प्रसाद है वो ऑलमोस्ट सभी के पास पहुंच सके। उसकी जानकारी वो आप टीम के नंबर से ले सकते हैं। और जो प्रसाद आप लोगों के पास आने वाला है, यानी कि जो हम बिहारी जी का जन्माष्टमी स्पेशल में आप लोगों को जो प्रसाद भेजेंगे, वो मिश्री इलायची और ये नहीं है, वो बिहारी जी का महाप्रसाद है, यानी कि बिहारी जी का 56 भोग है। इसीलिए कल मैंने आपसे ये वाली बात कही थी और जिक्र किया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रसाद जब जब हम कोरियर करेंगे तब तब उस दिन का ही हो, यानी कि सेम डे का ही हो, बिकॉज आपके पास पहुंचने में भी टाइम लगेगा और फिर आप उसको अगर पाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भक्तों में तो भी आप लोगों को उस प्रसाद को पाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो मिठाई होगी बिहारी जी का 56 भोग का प्रसाद होगा मीठा नमकीन मिक्स करके, तो वो आप लोगों तक पहुंच सके तो वो खराब ना हो, ये हम सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्योंकि मिश्री हो गई, इलायची हो गई, इसको तो हम महीने महीने भर भी रख लेंगे, आगे और भी रख लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो बिहारी जी का महाप्रसाद है, बिहारी जी का 56 भोग प्रसाद है, और वो खराब ना हो इसी वजह से हम सेम डे जब भी आपके पास पोस्ट करेंगे, जब भी हम आपके पास भेजेंगे कुरियर के जरिए, तब हम उस टाइम आपके लिए ताजी लेंगे, यानी फ्रेश, और बिहारी जी को भोग लगेगा वो 56 भोग उसी दिन का तब पाएंगे। और जो भी भक्त लोग हमारे पास यहाँ मंदिर में मिलने आते हैं वो हमसे पंचामृत जरूर ले सकते हैं, और रात्रि में वो आराम से आइए, क्योंकि सुबह 5 बजे तक मंगला दर्शन है, आप हमसे 5 बजे तक पंचामृत ले जा सकते हैं, दूध दही शहद बूरा घी इन सबसे मिलाकर, गुलाब जल यमुना जल इन सबको लास्ट में यमुना जल से स्नान होता है, इन सबको मिलाकर जो बिहारी जी का पंचामृत तैयार होता है वो आप हमसे पा सकते हैं, बिहारी जी का जिससे महाभिषेक होगा। और मंदिर में भी आप लोगों को झंडे नजर आएंगे, ये झंडे आपको मंदिर में भी नजर आएंगे, ये बिहारी जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, बिहारी जी का आशीर्वाद मिलता रहे सभी को, यही हम चाहते हैं। ठाकुर जी के आश्रय ही ये होते हैं हम सब लोग, ठाकुर जी का आशीर्वाद पाने के लिए ही हम सब करते हैं, ठाकुर जी की कृपा के लिए ही हम सब जुड़े होते हैं, ठाकुर जी ही हमारा एक माध्यम सहारा होते हैं कि हम जब भी भटके हैं अपनी राहों से तो ठाकुर जी हमें संभाले रखें। बिहारी जी की जो कृपा है वो असीम अनुकंपा, तो ऐसे ही अभी हम आरती के लिए जुड़े हैं और बिहारी जी की आरती का आनंद आने वाला है बहुत ज्यादा। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी लेकिन ये बिहारी जी के प्रेम से बढ़कर नहीं है, तिनका मात्र से भी बढ़कर नहीं है, क्योंकि बिहारी जी का तो तिनका मात्र भी हमारे शरीर में हमारे तन मन में एक ऊर्जा फैलाता है, और इसीलिए हमने उस ऊर्जा के लिए ही ब्रेसलेट जो कॉन्सेप्ट रखा है, जो आप लोग को प्रसादी है वो इसीलिए है ताकि आप कभी भी कोई शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो आपके पास वो चीज होनी चाहिए बिहारी जी का प्रसादी, वो आप अपने हाथ पर धारण करिए, वो आप अपने हाथ पर पहनिए, और वो आप जैसे किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी बिजनेस डीलिंग के लिए जाते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए, और बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे यही हम चाहते हैं। तो यहाँ से फिर से बांके के मंगल दरबार का आनंद लेंगे और यहाँ से देखेंगे भैया ये तो आज तिरंगे के रंग में रंगा है, जय हो मेरे बिहारी जी महाराज। और हमने भी काफी सारे समय व्यतीत किया है, हमने भी तिरंगे का आनंद लिया है, हमने भी झंडा फहराया है, और कल तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, और झंडा फहराया जो है वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। बिहारी जी का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे हैं और जितने भी देशवासी हैं सब पर बना रहे हैं। सिर्फ कुछ ही पल बाकी है बिहारी जी के आरती में, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बिहारी जी का आप लोगों के पास जो हम प्रसाद देने वाले हैं, जो आपको रिटर्न गिफ्ट के रूप में, वो उनका महाप्रसाद उनका 56 भोग है, और उसकी जानकारी के लिए आप हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे बाकी वाली टीम से व्हाट्सएप नंबर है 8937908000, इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं और आप अपना बुकिंग भी कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह आपको देना होगा तो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, बात कर लीजिएगा जैसे भी है। और अभी हम बिहारी जी की आरती के लिए जुड़े हैं और मैं देख रहा हूँ पर्दा लग चुका है, तो बस कुछ ही पल में ठाकुर जी की, अभी नहीं जा रहे, कुंज बिहारी
श्री हरिदास। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सो चुके हैं और ये बाकी के दरबार में है। भैया बिहारी जी का तो आशीर्वाद है इनके पास, इनके ऊपर ठाकुर जी महाराज की कृपा की दृष्टि बनी रहे, यही हम चाहते हैं। और यहाँ से हम बिहारी जी महाराज की पुष्पमाला के दर्शन कर रहे हैं जो उन्होंने धारण की हुई है। बस कुछ ही देर में बिहारी जी की आरती भी आने वाली है, उसका नज़ारा भी हम लोग देखेंगे। बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास करो या पास वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। अच्छा भी किसी का मैसेज है कि कृपया जन्माष्टमी प्रसाद वितरण के बारे में बताइए, तो हमने ऑलरेडी बताया तो है भी कि आप लोग उसकी जानकारी टीम से ले सकते हैं और हम जो आप लोगों का रिटर्न गिफ्ट के रूप में भेज रहे प्रसाद जो आएगा वो 56 वो प्रसाद आएगा, तो आप उसकी जानकारी 8937908000 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या दूसरा नंबर है 9058169689। इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थोड़े से चेंजेस हमने किए बिकॉज जो हमें मुझे पता चला था बाद में कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन नहीं, फिर हमने उसको चेंज किया है। बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे तरीका से यही है कि बिहारी जी को भोग लगे आपकी तरफ से और बिहारी जी को वो प्रसाद भोग लगने के बाद बटे, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे हमने सपोज दैट अगर हमने 100 लड्डू भोग लगाए तो आप लोगों को 100 लड्डू हम कभी भी नहीं मिल सकते, किसी को भी नहीं मिल सकते। सबसे पहले जब वो भोग लगते हैं तो भोग लगने के बाद उसमें से 20-25 कोई फिक्स नहीं होता, 15 भी या 30 भी लड्डू जो है या कोई भी एक चीज ले रहे हो, एक डिश का नाम या कोई भी एक ऐसी चीज जो भोग लग रही है, तो जो वो प्रसाद बन जाता है उसमें से वो निकलता जरूर है। जब तक कोई भी चीज नहीं निकलेगी वो भोग नहीं होता है, वो मान्य नहीं होता है कि वो प्रसाद में काउंट किया जाए। उसके पश्चात फिर उसमें से भक्तों को बांटा जाएगा, फिर उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है और यही हम चाहते हैं कि जब वो आप तक पहुंचे तो थोड़ा सा भी अगर आपको वो मिल रहा है तो वो आपके लिए बिहारी जी की कृपा है, क्योंकि वो प्रसाद पहले भक्तों में बटा है और उससे भी पहले वो अंदर निकलता है, यानी कि ठाकुर जी के पास, तभी जाकर कोई भी चीज भोग लगती है। और यहाँ पर झांकी आ चुकी है, पर्दा आ चुका है, तो फाइनली अब आरती आ चुकी है बिहारी जी की, तो हम लोग शामिल हो जाते हैं। जैसे ही पर्दा हटेगा हम शामिल रहेंगे और आप लोग स्टार्स के जरिए भी मेरे बाकी वाली पेज को डिजिटली सपोर्ट कर सकते हैं। जय हो मेरे बाके बिहारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। अच्छा कल हम सुबह की, क्योंकि कल हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इसीलिए उस दिन को बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट करें जैसे कि हमने एकादशी पर व्रत रखा है। लेकिन इस दिन हम व्रत नहीं रखेंगे, इस दिन हम खूब खाएंगे, खूब बांटेंगे, खूब आनंद लेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम वैसे ही करेंगे जैसे हम एकादशी पर बिहारी जी की आरती के साथ करते थे। कल सुबह बिहारी जी की श्रृंगार आरती में हम और आप शामिल हो जाएंगे 7:45 के अराउंड, 7:45 से 8 बजे के बीच में, जब भी बिहारी जी की आरती होने वाली होगी, ताकि हम लोग उस आरती में शामिल होकर अपने उस मंगलमय दिन को, क्योंकि मंगलमय दिन तो बिल्कुल है और वो इसीलिए क्योंकि भैया 15 अगस्त है, 15 अगस्त है हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, हमारे लिए 26 जनवरी जो है वो भी हमारे लिए मंगल दिवस होता है, तो इन दोनों दिन की हम शुरुआत जो है बिहारी जी की श्रृंगार आरती के साथ, बिहारी जी के साथ करेंगे। तो इसीलिए कल सुबह आरती में आना मत भूलना, अपनी हाजिरी जरूर लगाना और इस मंगलमय दिन को और भी मंगल
बनाना हम चाहेंगे, यानी कि जो आनंद हमें मिल रहा है उसको परमानंद में तब्दील करेंगे। और बिहारी जी की आरती आ चुकी है फाइनली, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। तो शेयर करते रहो भैया, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग आपके जरिए, हमारे जरिए, हम सब के जरिए, पूरे मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार के जरिए आनंद ले सके। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास। हरी लाल तेरी सदा ही जय। मोर मुकट कटका चिनी कर मुरली और माल, ये बानिक मेरा मन बसो सदा बिहारी लाल। आग बनो पटुका जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की। तो अंजन नैन बैन रस माते, अंजन नैन बैन रस माते, श्री रूप आरती की जय। श्री नवनागर की पान कात मुस्कात मनोहर, पान कात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागर की। श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखी दम पति आरती सोहे, श्री नैन सैन उजागर की। श्री आरती की जय श्री नवनागर की, श्री आरती की जय श्री के। बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आप को जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो यहाँ से बांके बिहारी जी ने जो माला धारण करी हुई है पुष्पों की, उसके भी दर्शन हो सकते हैं, और बिहारी जी की सुंदर सी पोशाक के दर्शन भी हमें हो रहे हैं, और आरती का ऐसा अद्भुत आनंद भी हम लोग उठा रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है जो हमें इस तरीके से, इस कदर अपने से जोड़े रखते हैं, अपने से जुड़ा नहीं होने देते। और यही तो हम चाहते हैं भैया, कि बिहारी जी अपने से जोड़े रखें, अपने से कभी भी जुदा ना होने दें। बिहारी जी जब जुदा करेंगे तो बहुत ही दुख होगा। जो हम चीज़ नहीं चाहते कि कभी भी ठाकुर जी की ऐसी ऐसा दिन दिखाएं कि हमें उनसे जुदा होना पड़े। ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भामती और भामती जी के प्राण प्यारे, जुगल विशो रूप ही जानो। छिन्न न करो श्री हरदास के स्वामी श्यामा श्यामा कुंज बिहारी मन रामो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रामो, जय जय कुंज बिहारी श्री हरदास। तो ऐसा दरबार का मंगल आनंद हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पर अमृत वर्षा के दर्शन आप लोगों ने किए, और अभी विनय पचासा पाठ गाभी बिहारी जी जैसी मनोकंपा से भरपूर आनंद मिलेंगे, लुप्त उठाएंगे। ठाकुर जी की कृपा की दृष्टि बनी रहे। जय हो बांके का दरबार। बाके चरण रसाल स्वामी श्री हरिदास के, मेरे बाके बिहारी लाल। जय 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 श्री बाके बिहारी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो पुलिस को भी पहुंचे।
आपके साथ ही आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री हरिदास चलते रहिए मंत्री साहब को भाई होनी है। पटका पाग पीतांबर शोभा सिर सिर पेच देख मन लोभा तेरे ची पाग मोती लर बाकी शीस टिपारे सुंदर झांकी और अंत की लटक निराले आनन कोंडल लटे गुंगराले नथे गुलाक पतन मन वार मंद आसन लागे कंठ मणि माला और पे गुंजा आर रसाला सांदे सांदे सुंदर पटका बोटा किरण मोती के लटका भुज में बाहिर अंग रखीनो कटे काचनी अंग ढक लीनो कमर बंद के लटकन न्यारी चरण छिपाए श्री मां के बिहारी इकलाई पीछे से आई दूनी शोभा गए बढ़ाए वादी सेवा पास विराज श्री हरिदास छवि अतिराज घंटे बाजे भजत नागे झांकी पर्दा पुने पुने लागे सोने चांदी के सिंहासन छत्र लगिन मो तिन की लटकन बाके तेरे छे सुगर पुजारी इनकी ओ छवि लागे प्यारे अतर फूले लगाए सिहावे गुलाब जल के सर पर दूध आत नित भोग लगावे छप्पन भोग भोग में आवे मग सिर सुदे पंचमी आई सो बिहार पंचमी काई आए बिहार पंचमी जब से आनंद उत्सव होवे तब से बसंत पाजे साज बसंते सब रंग बरसावे उड़त गुलाल कुमकुमालावे फूल डोल बैठे पिय प्यारे कुंज बिहारिन कुंज बिहारी युगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बाके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारे डोल कादशी डोल सजावे फूल फूल छवि चमकावे अखे तीज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमी आवे गर्मिन भर फूलन के बंगला
पटका आर पुलन के रंगेला शीतल भोग फुआर चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली की जन को झूला पेड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी के मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भेड़ अटूट सवा प्रहर कंचन की लूट का छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाव सवारी शरद चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारे अटरे दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करें ते नीचित जो कोई तुम्हें प्रेम सोध्यावे सोई सुख मन आंचित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बांके बिहारी इन दुखी के संकट हरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध विसारो मो को जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन अरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोकु अपनाओ अज्ञान अंधमति बारी दया करो श्री बांके बिहारी बांके बिहारी विन पचासा नित पड़े पावे निज आसा पड़े बाब सो नित प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार पड़े व्यापारा सहज होए अब सागर पारा कलयुग के ठाकुर रंग रात दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय से आते अष्ट से दिनव निधि सुख पाते मेरे सब दुख अरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोकु अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसा ऐसो कर मन देखियो निरखु श्यामा श्याम प्रेम बिंदु द्रग तेजर श्री वृंदावन विश्राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधेश्याम गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरे बांके बिहारी। तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से होने वाला है उस दिन बहुत सारे लाइव सेशन होने वाले हैं कल लेकिन हम लोग अपने इस मंगलमय दिन की क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है पूरे देशवासियों के लिए तो इसीलिए हम अपने दिन की शुरुआत बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती के साथ करेंगे और जन्माष्टमी स्पेशल में आप लोग टीम से
महाप्रसाद यानी छप्पन भोग प्रसाद कैसे मिल सकता है उसकी जानकारी ले सकते हैं, जो जन्माष्टमी बिहारी जी की तरफ से आप लोगों के लिए रिटर्न गिफ्ट है। तो फिर से करेंगे एक नए लाइव सेशन में मुलाकात, तब तक जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।